हेलो दोस्तों दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह है और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ नोस सप्लाई ऑफ हर्ट तो आपका इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप नोस सप्लाई ऑफ हर्ट कैसे और किसके थ्रू होती है और कैसे कैसे उसका फॉर्मेशन होता है ठीक है तो सबसे पहले बात आती है कि नोस सप्लाई ऑफ हर्ट किसके थ्रू होती है तो वो होती है दो प्लेक्सेस के थ्रू एक होता है आपका सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सेस एक होता है डीप कार्डिक प्लेक्सेस तो इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है तो सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सेस होता है ना वो प्रजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ बाईफेशन ऑफ पलमोरी ट्रंक तो जो पलमोरी ट्रंक का बायोफ्रिगेशन होता, होता, ट्रेक होता है उसके जस्ट फ्रंट में सुपरफिशियल ये वाला ठीक है और जो डीप है कार्डिक प्लेक्सेस है ये होता है आपका प्रजेंट इन फ्रंट ऑफ बायफ्रिगेशन ऑफ ट्रैक किया का है जहाँ पर बायोफ्रिगेशन होता है उसके फ्रंट में ठीक है सबसे पहले पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ पर होती है ये आपका बाईफेशन ऑफ पलमोरी ट्रंक यह आपका बायफ्रिग्रेशन ऑफ ट्रैक तो आपका इनके पता होने के बाद ये बात आती है कि ये बनते कैसे हैं तो आप नॉर्मली जो सिंपैथेटिक चन से कुछ फाइबर आपके सिंपैथेटिक सप्लाई लेके आते हैं और वैगैस के थ्रू पैरासिपेटिक सप्लाई लेके आते हैं तो आपका जो हर्ट की मैन सप्लाई होती है ऑटोनोमिक होती है ऑटोनोमिक आपका सिंपेथेटिक और के थ्रू सप्लाई होती है सिम्पेथेटिक आपका सिंपेथेटिक चेन के थ्रू और पैरसिम्पेटिक आपका वैगस के थ्रू तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्रांच की फिर हम देखेंगे वन बाई वन कैसे इनका फॉर्मेशन होता है तो वैगस के राइट एंड लेफ्ट तीन तीन ब्रांच होते हैं एक होती है आपका सबसे ऊपर सुपीरियर कार्ड सुपीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच ऑफ वैगस इन्फीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच और तीसरी होती है आपका रिक्रंट लैरिंग जलना हो ठीक है तीन ब्रांच होती हैं दोनों की राइट वैगस की भी लेफ्ट वैगस की भी और ऐसे ही आपका जो राइट सिम्पेथेटिक चेन है सिंपेटिक सप्लाई वो कहाँ से आती है तीन गंगली के तो थ्रे आती है तीन गंगली कौन से कौन से सुपीरियर सर्वाइकल गंगलियोन मिडल एंड इन्फीरियर सर्वाइकल गंगलियोन तीन गंगलियाँ हैं और पाँच रूट हैं टी तो वन टू तो टी फाइव जो न वो हैं उनके थ्रो तो फाइबर आते हैं और आपका सिंपथेटिक सप्लाई देते हैं तो दोनों साइड सेम ही है राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी और वेगस में भी सेम ऐसे ही है लेकिन कुछ पोर्शन इनका सुपर सुपरफेशल कार्डिक फ्लेक्सेस बनाएगा कुछ पोर्शन इनका डीप कार्डिक फ्लैक्सेस बनाएगा तो जो आपका सुपरफिशियल कार्डिक फ्लेक्सेस है वो आप पे बाद में देखेंगे डीप की पहले बात करते हैं तो डीप में कौन से कौन से आते हैं वेगस के थ्रू जो आपकी छः ब्रांच थे तीन राइट की तीन लेफ्ट की उनमें से पाँच आती हैं तीन राइट की तीनों लेफ्ट की दो बच गई कौन सी ये जो से बीच वाली ब्रांच है ना इन्फीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच ऑफ लेफ्ट वेगस वो आपकी इसमें सप्लाई नहीं करती है और इनमें रिले नहीं करती है तो छः में से पाँच ये और ऐसे ही इसमें राइट साइड के सारे फाइबर आ रहे हैं राइट वेगस के भी सारे फाइबर आए थे लेफ्ट वेगस का एक नहीं आया था ऐसे ही आपका जो लेफ्ट चैन है ना उसका एक नहीं आता है कौन सा नहीं आता है सबसे ऊपर वाला सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलियन के फाइबर आपका डीप कार्डिक कार्डिक्लेक्सेस में फॉर्मेशन नहीं होते हैं तो आपको याद कैसे रखोगे कि डीप कार्डिक प्लेक्सेस होता है उसके अंदर लगभग जितने भी वैगस की ब्रांचेज हैं जितने भी आपकी चैन की ब्रांचेज हैं सारी सप्लाई करती हैं एक्सेप्ट टू ब्रांचेज़ कौन सी कौन सी नंबर वन इन्फीरियर कार्डिक इन्फीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच ऑफ लेफ्ट वेगस एंड लेफ्ट सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलियोन इन दोनों को छोड़कर सारी डीप कार्डिक कार्डिक्लेक्सेस में रिले करती हैं ले लेकिन दो बच गई कौन सी दो आपकी दो अलग से बनाती हैं सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सेस जो आपका पलमोनी ट्रंक के बाइफर्गेशन के फ्रंट में रहता है और डीप आपका ट्रैक के बाइफर्गेशन के फ्रंट में रहता है दोस्तों इस तरीके से आपका इन दोनों प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है और ये दोनों फिर फर्दर आपका ऑटोनोमिक और जो उसमें और पैसा सप्लाई उसको कंट्रोल करते हैं एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं डिपेंड ऑन द जो रिक्वायरमेंट है जो आपका फीडबैक होता है ठीक है तो इस तरह से आपकी हटकी न सप्लाई होती है इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका पेन होता है इन केस ऑफ हिस्मिया जीना पैक्टोरिस हर्ट अटैक एम आई वो आपकी कौन सी नाव के थ्रू कैरी होती हैं तो वो होती हैं आपके टी वन से टी फाइव टी वन से टी फाइव इनको हम थोड़े से स्पेंसिंग नाव भी बोलते हैं ठीक है इस इन पाँच को तो आपका इनके थ्रू आपका पेन आपका कैरी होता है तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं तो एक बार फिर इस करवा देता हूँ आपको मैं कि आपका दो प्लेक्स के थ्रू आपकी सप्लाई होती है सुपर एंड डीप सुपर फेसियल पलमीटर ट्रैक के बाइफ फ्रंट में रहेगा डीप आपका ट्रैक य के बाइफ फ्रंट में रहेगा आपके इनकी लेफ़्ट वेगस राइट साइड की सभी ब्रांच आपकी डीप में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं लेफ़्ट में सिर्फ एक लेफ्ट वेगस में एक नहीं करती है लेफ्ट इंपियटिक च में एक नहीं करती है वो दो बच गई ना दो कौन इन्फीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच और लेफ्ट सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलियन वो आपका अलग से सुपरफिशियल कार्डिक कार्ड बनाते हैं और आपका बाद में फर्दर सप्लाई होती है ठीक है तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो समझ सकते हो डायग्राम से आपको बहुत हेल्पफुल होता है कि डायग्राम से हम चीज़ों को समझें तो इससे आपको होप के अच्छा आइडिया लग गया होगा यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे आपका आने वाला वीडियो पता चल जाए और इसके अलावा मैंने बहुत सारी थोरेक्स की और बाकी सिस्टम है एनाटोमी के उसके वीडियो बना रखी हैं आप जो एनाटोमी प्ले लिस्ट है और जो रिस्पेक्टिव सिस्टम है पर लिम लोअर लिम उनकी प्ले लिस्ट में जा आप चेक कर सकते हो तो देखने के लिए थैंक यू बाय